हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्सल शो। और लेकर आ गया हूँ एक और मजेदार वीडियो। अगर आप मूवी लवर हैं या मूवी देखना आपको पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन की रिलीज हुई फिल्म शहजादा के बारे में, जो 17 फरवरी 2023 को सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। साथ में जानेंगे फिल्म को जनता का कितना प्यार मिल रहा है और पहले दिन की कमाई कितनी रही। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, शहजादा फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसमें कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, परेश रावल, मनीषा कोयराला, रोनित रॉय और राजपाल यादव मुख्य किरदार में हैं। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे रोहित धवन ने। इस फिल्म का बजट लगभग 75 करोड़ रुपये है। वहीं फिल्म के पहले दिन की कमाई सिर्फ 6 करोड़ है। अब देखने वाली बात यह है कि कार्तिक आर्यन की लास्ट फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था और फिल्म हिट साबित हुई थी। वहीं यह फिल्म कार्तिक आर्यन के उम्मीदों पर पानी फेरती नजर आ रही है। वहीं भूल भुलैया 2 का फर्स्ट डे कलेक्शन 14 करोड़ था और फिल्म ने टोटल 266 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं अब बात कर लेते हैं फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन की। तो आपने अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वैकुंठ पुरमुलू को तो देखी होगी, जिसमें अल्लू अर्जुन ने फिल्म में अदाकारी से लोगों का खूब दिल जीता था। भले ही स्टोरी में दम ना हो, लेकिन ये फिल्म हिट रही थी। शहजादा फिल्म इसी फिल्म की रीमेक फिल्म है। इस फिल्म में रोहित धवन ने जगह जगह कुछ अपना दिमाग खर्चा किया है और स्टोरी को बदलने की भी कोशिश की है, लेकिन फिल्म में जान नहीं फूक पाती है। वहीं फिल्म को 2 लाइन में बताना हो तो कुछ यूँ होगा कि एक हॉस्पिटल में 2 बच्चों का जन्म होता है और बच्चों की अदला बदली हो जाती है। ये फिल्म इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई आपको नजर आती है। वह इस फिल्म में कृति सेनन एक वकील के किरदार में है। इस फिल्म में जान फूकती है परेश रावल और राजपाल यादव की अदाकारी, जो सफल नजर आती है। बात करें फिल्म में गानों की, तो कोई गाना ऐसा नहीं जो आपको थिरकने पर मजबूर करे। फिल्म की डायरेक्शन भी काफ़ी कमजोर नजर आती है। अगर बात करें फिल्म को देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, तो जवाब है अगर आपके पास टाइम है तो फिल्म देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि फिल्म को टाइम निकाल कर देखने से अच्छा है कि आप अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वैकुंठ पुरमुलू को यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो कि हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और फिल्म के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के लिए।